सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल इन्फोलाइफ टेक्नीशियन। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब मतलब टेक्नीशियनली हम लोग बोर हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग ने सोचा कि अपने एरिया को पूरा एक्सप्लोर करें, सब लोगों को बताया कि हम लोग के एरिया में क्या क्या है, कितनी मतलब पिकनिक स्पॉट्स हैं, पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम लोग। तो हम लोग ने अपना मेन पर्पस अपना ब्लॉग रखा है फ्रेंड्स। तो हम लोग अब फ्रेंड्स आपको पूरा बताएंगे कि हम लोग के यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है फ्रेंड्स, और हम लोग कैसे यहाँ सर्वाइव करते हैं, कैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, लोग यहाँ कैसे हैं, कैसे नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर आप यहाँ आते तो आपको क्या क्या प्रॉफिट होगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आपको फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बस आगे तो हमें बोलते नहीं, बढ़ाई करते नहीं फ्रेंड्स, अब आप खुद देख लीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जा रहे हैं मंदान डैम की ओर, जो कि हमारे तरफ समथिंग 2.3 किलोमीटर दूर है वहाँ। आप देख सकते हैं हम लोग के इधर के पास की लोकेशन, ये भी पहले एक डैम था, इसका नाम यहाँ पे मतलब इस प्लेस का नाम चरई डैम है, मतलब इस प्लेस को चरई डैम बोलते हैं। पहले हम लोग का पूरा मतलब जितना भी एरिया वहाँ का पानी यहाँ सप्लाई था, ये छोटा सा यहाँ पर मतलब ज़्यादा पानी हम लोग को मिल नहीं पाता था यहाँ से, इसलिए फ्रेंड्स हम लोग मतलब यहाँ से शिफ्ट करके नया डैम बनाए हैं। वहाँ पीछे वो देख सकते हैं आप, वहाँ पर वो पहाड़ी के पास में फ्रेंड्स, तो वहीं पर है हमारा मंदान डैम जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा कि आपको ये भी दिखा दिया जाए कि हम लोग के वहाँ यहाँ पे पहले सफिशेंट क्यों नहीं हो पाता था, क्योंकि हम लोग का एरिया बहुत बड़ा है बट यहाँ मतलब पानी का सोर्स उतना नहीं था। यहाँ नदी है, जैसे लोग जानते हैं कि मतलब विलेजेस में ज़्यादा मतलब विलेजेस तरफ मतलब नदियाँ ज़्यादा रहती हैं, बट फ्रेंड्स यहाँ पानी की दिक्कत पड़ता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग। आप लोग अभी इस सीन का फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बट फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल मतलब बहुत नियरेस्ट पहुंच चुके हैं वहां से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं साइड में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा है, यहाँ पे मतलब एक ब्रिज रेडी करवाया जा रहा है ताकि हम लोग जो ऊपर है ना डायरेक्ट वहाँ डायरेक्टली पहुँच सकें। यहाँ पे बीच में देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स स्क्रीन वगैरह चल रही है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, आप आगे देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो हम लोग को गाड़ी अपनी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, तो हम लोग यहीं साइड में गाड़ी लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग के आइए हम लोग अभी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आपको हम लोग आपको बट ऊपर ले जाएंगे। गाड़ी
तो फ्रेंड देख सकते हैं आप साइड में यहाँ पे वो वहाँ पे फ्रेंड वो सामने डैम है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो फ्रेंड्स जब ये ब्रिज रेडी हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ पे ऐसे पार होके नहीं आना पड़ेगा और हम लोग मतलब डायरेक्ट नहीं आ सकते निकल सकते हैं। देखिए फ्रेंड जब लोग बहुत सारे लोग आते हैं पिक्चर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो भाई है जॉय वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ खड़ा है तो हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा पहले। फ्रेंड फिर हम लोग आपको वहाँ ऊपर से पूरा व्यू दिखाएंगे। इतना प्यारा व्यू लगता है ना फ्रेंड यहाँ पे। और फ्रेंड यहाँ पे आप लोग को अगर पिकनिक मनाने आना है अगर आप यहाँ आते हैं कभी हम लोग के एरिया में छिंदवाड़ा नगर कभी आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा फ्रेंड। यहाँ बहुत ज़्यादा हर्बल है एंड फ्रेंड यहाँ जो ग्रीनरी ऐसे ना। तो फ्रेंड अभी तो आप लोग को इतना अच्छा लग रहा होगा क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चालू हुआ पूरा। तो फ्रेंड जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर फ्रेंड अभी बहुत सारी चीज़ें ऐड होना बाकी हैं यहाँ पर। जो हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट देखें फ्रेंड जो यहाँ पर पूरा बनेगा ना उसके बाद फ्रेंड्स जॉब में आएंगे ना कसम से ट्रस्ट करिए आप कभी नहीं पछताएंगे कि आप यहाँ क्यों आए। आप बार बार यहाँ आना चालू आना चाहेंगे। चलिए फ्रेंड्स तो आगे आते हैं चलिए गाड़ी का चलते हम। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ से देखिए पानी ही निकलता है मतलब थोड़ा सा वो रिच के आ रहा है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स मतलब अभी पानी तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है मन्नान डैम 0.4 किलोमीटर मतलब अभी भी हमें थोड़ा बहुत ऊपर जाना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते हैं फ्रेंड्स घूमने और फ्रेंड्स यहाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट रहता है। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना फ्रेंड्स तो हम लोग यहाँ पे एक बार और शूट करेंगे फ्रेंड्स और आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे कि कंस्ट्रक्शन के बाद कैसा बना है फ्रेंड्स ये। और अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है और बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है फ्रेंड्स ये अभी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं बस हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये गेट है मेन गेट है यहाँ का तो हम लोग को यहीं पर उतरना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं पैदल थोड़ा आपको यहाँ के पूरे नज़ारे दिखाते हैं और कसम से आप यू विल लव इट। तो देख सकते हैं फ्रेंड जहाँ ये तो ऊपर दिख रहा है बट ये बहुत ज़्यादा गहरा है आपको इसका कलर ही बता देगा कितना डार्केस्ट कलर। देखिए फ्रेंड्स कितना डार्केस्ट कलर है इसका। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं फ्रेंड्स पानी का कलर देखिए मतलब कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार माँ कसम आई लव इट यार। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स और देखिए मतलब इतना मतलब कितना इतनी क्लियर फ्रेश एयर है फ्रेंड्स यहाँ पे। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था मालूम हम लोग जब अभी आप लोग अभी जा रहे हैं ना तो फ्रेंड्स देखिए आप आज यहाँ का पूरा देखिए फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे पूरा अभी ओवरफ्लो चल रहा है फ्रेंड्स इतना मतलब इतना भरा नहीं होता बट अभी बारिश है ना फ्रेंड्स उसके कारण फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा भर चुका है। और हम यहाँ पे पूरे चारों तरफ अगर देखा सकते हैं आपको हरियाली हरियाली और पहाड़ी दिखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग के इधर का जो एरिया है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग के एरिया को मतलब इस तरफ को सतपुड़ा हिल्स कहा जाता है मतलब यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ बनेंगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप यहाँ साइड में देख लीजिए वो देखिए जहाँ डैम के पास जो जो मतलब थोड़ा मूवमेंट हो रहा है ना फ्रेंड्स वहाँ थोड़ी मतलब वहाँ फिश का पूरा वो है झुंड है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारी फिशिंग होती है फ्रेंड्स यहाँ के लोगों को मतलब फिश खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम लोग फिशिंग बहुत करते हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना मतलब कसम से मैं आपको मतलब आप महसूस तो नहीं कर सकते फ्रेंड्स कि यहाँ की एयर कितनी प्योर है फ्रेंड्स बट फिर भी फ्रेंड्स आपको देख के खुद ही समझ में आएगा इतनी ग्रीनी है इसमें इतनी फ्रेश एयर है ना फ्रेंड्स कि आपको पता चल सकता है। तो फ्रेंड्स आप हमारे राइट हैंड में भी देख सकते हैं एंड लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं।
फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है आपका फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पे और आ गए, ये आपको हम नीचे भी दिखाते हैं यहाँ से, मतलब कितना ज़्यादा डीप है ये। तो फ्रेंड्स आइए आपको दिखाते हैं भाई, एक और ये वाला व्यू दिखाते हैं। कसम इस तरफ से आके एक और ये वाला व्यू दिखा दो, कसम से पब्लिक पागल हो जाएगी यार। यार एकदम ऐसा लग रहा कोई सिनेमैटिक सीन होगा यार, कसम से यार बहुत प्यार है। फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो पानी है यहाँ से ओवरफ्लो होके जा रहा है, अभी ये फिल्टर है। वैसे फ्रेंड्स यही पानी मतलब घर में जाता है, अभी तो फिल्ट्रेटेड नहीं है, यहाँ से आगे टर्न होके मतलब आगे फिल्टर पड़ता है फ्रेंड्स, वहाँ जाके पूरा फिल्टर होता है, देन सबके घर से सप्लाई होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक फिल्टर नहीं है, यहाँ बहुत सारी जगह फिल्टर्स हैं, जहाँ मतलब पर्टिकुलर कहीं से मतलब सरकार ने इतना अच्छा कर लिया फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स, मतलब कहीं भी किसी को भी कुछ भी इम्प्योरिटी ना मिले फ्रेंड्स, वरना पहले तो फ्रेंड्स हमारे घरों में मछलियाँ आ जाती थी। और अब फ्रेंड्स बहुत मस्त फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब ध्यान देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितना डार्किश दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आपको पता है बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा गहरा है फ्रेंड्स। और व्यू की तो बात ही छोड़ दो फ्रेंड्स, आप सामने भी देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि आप इधर सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं पहले भी, और यहाँ हम लोग ने बहुत बार पिकनिक बनाई है फ्रेंड्स। आगे जो स्पॉट है फ्रेंड्स जहाँ पूरी फैमिली भी खड़ी रहती है, मतलब आपको यहाँ खुद के अपने पर्सनल की जगह तो मिलेगी फ्रेंड्स अगर आप आते हैं कभी जी फ्रेंड्स। यहाँ अभी तो खाली के लिए हम लोग शाम के समय आए, बट आप अगर दोपहर के समय आएंगे ना फ्रेंड्स आफ्टरनून समय, तो फ्रेंड्स यहाँ पूरा भरा रहता है, पूरी फैमिली रहती है, खासकर संडे के दिन सब फ्री रहते हैं अपनी जॉब से, सब फ्रेंड्स सब जाते हैं और बढ़िया पिकनिक बनाते हैं जाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ नहा भी सकते हैं आगे, हम लोग तो बढ़िया कूद काट के नहाते रहते पागल हो जैसे फ्रेंड्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा भाई पूरा व्यू दिखा दो, पूरा 360 व्यू दिखा दो पूरा अपने दोस्तों का, एक बार में देख के दिल खुश रहा है पब्लिक का, बोले लाइक तो बनता है, बोले बस ऐसा व्यू दिखा दो भाई। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट अस, क्योंकि हम लोग का ये फर्स्ट ब्लॉग था तो हम लोग ने यहाँ पे इसमें मतलब फेस कैम अपना यूज़ करा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए, अपना प्यार दिखाइए। और अगर आप इस तरफ आते हैं छिंदवाड़ा तरफ आते हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूर इस प्लेस को विजिट करिए फ्रेंड्स, ये प्लेस कसम से बहुत यू विल लव इट फ्रेंड्स। सो थैंक यू।